स्टार यानी तारे रात के आसमान में देखने वाले ये टिमटिमाते तारे देखने में कितने ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लगते हैं ये सोचकर हैरानी होती है कि ये स्टार अर्थ से इतनी दूर होने के बावजूद भी अपनी ब्राइटनेस तक पहुंचाते हैं और हम इन्हें देख पाते हैं रात के आसमान में देखने वाले सभी स्टार अपने सराउंड एक सोलर सिस्टम को अपनी ग्रेविटी से होल करके रखते हैं लेकिन क्या आप लोग एक स्टार की ओरिजिन के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में जानते हैं इफ यू डोंट नो सो स्टिल वॉच दिस वीडियो बिकॉज आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले है सो हाई गाइस वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो गेट स्टार्ट इट स्टेज नंबर वन स्टेलर नेब्यूला जब एक स्टार इनफैक्ट एक होल सोलर सिस्टम अपने फॉर्मेशन के फर्स्ट स्टेज में होता है तो वह दूर से देखने पर एक डस्ट क्लाउड की तरह दिखता है ये क्लाउड असल में एक बास क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट होता है जिसे स्टेलर नेब्यूला भी कहते हैं यही नेब्यूला बाद में ग्रेविटी की वजह से कंट्रैक्ट और गर्निंग डिश की फॉर्मेशन करती है स्टेज नंबर टू प्रोटो स्टार ये स्टार की फॉर्मेशन की यंगेस्ट पॉइंट होती है इस टाइम में स्टार को बेबी स्टार भी कहा जाता है जो स्टिल अपने आसपास के मटेरियल को कंज्यूम करके ग्रो होता रहता है स्टेज नंबर थ्री मेन सीक्वेंस। जब एक प्रोटो स्टार अपने क्रिटिकल टेम्परेचर एंड डेंसिटी पे पहुंच जाता है तब स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन हाई लेवल पर स्टार्ट हो जाता है इन दिस टाइम स्टार के कोर में हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के कारण हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे की ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और यही स्टार के लाइफ स्टाइल का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट फ्रेस होता है अपने पूरे लाइफ साइकिल को पार करने के बाद जब एक स्टार अपने जिंदगी के लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है तो वो एक रेड जॉइन बनकर सुपर नो एक्सपोजर करता है जिससे की न्यूट्रॉन स्टार व्हाइट डर एंड सेवरल स्पेशल कंडीशन में ब्लैक होल का भी फॉर्मेशन हो सकता है सो गाइस यही थी एक स्टार के ओरिजिन की फर्स्ट थ्री स्टेजेस आई होप यू एंजॉय हमारे चैनल में स्पेस से रिलेटेड और न्यू टॉपिक्स टॉपिक वीडियोस आते रहेंगे सो अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इफ यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो प्रेस लाइक बटन थैंक यू